इसने अभी 20 दिन पहले एक नाम लिया था बिग बॉस शो के अंदर, टक्कर मारना, छाती सारी टक्कर मारना। तो हल्के प्रियंका को बिग बॉस से निकल दे गए तो आपको पता चल गया होगा। तो जैसे बिग बॉस से बाहर आया एंड गाइस वो एलविस के साथ एक वीडियो कॉल पे बात किया तो वहाँ पे गाइस उन्होंने अभिषेक को एक्सपोज कर दिया। तो हल्के ने उसके बारे में क्या कहा आप लोग देखिए। पद्मनी भाई के साथ गलत हुआ यार, उसको एक चांस और देना चाहिए था, मतलब एक चांस तो मिलना चाहिए, एकदम से निकाल दिया, इट्स नॉट गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट भाई होगा उनका कोई पॉलिसी ब्रेक करी होगी, मैंने शायद ढंग से नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। पर जो भी हुआ मेरे हिसाब से तो एक मौका देना चाहिए था अपना भाई सन्नी भाई है, पर शायद ऐसे भी करते हैं, वापस भी ले लेते हैं। 16 के 16 बंदे रहे हैं भाई, वो तो मैं देख रहा हूँ। मेरे को एक चीज तो बताओ, अरुण भाई का तो समझ आता है, वो अभिषेक के क्या दिक्कत हो रही है भाई? वो पहले चिल्लाता फिर रोता है, उसके कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये कैमरा फेसिंग बंदा है, इसने अभी 20 दिन पहले एक नाम लिया था बिग बॉस शो के अंदर कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला सर को फॉलो करता हूँ, उनके तरीके फॉलो करता हूँ। तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि तू जिस दिन का नाम ले रहा है तो सलाह है, मतलब उनका नाम कंपेयर मत करो, अभी तुम बहुत पीछे चल रहे हो, उनका नाम मत जोड़ो जिसका तुम नाम लेना चाह रहे हो। तो मैं समझ गया था ये छाती मारना, टक्कर मारना, छाती सारी टक्कर मारना। तो सिद्धार्थ सर ऐसा खड़ा करते थे, ये सारी कॉपी करके अब कैमरे में क्या करता है ये, जैसे लाइक उसके साथ लड़की बैठी हुई है खानदादी, देखो हमें कैमरा तब देखेगा जब हम कुछ रोमांटिक करेंगे, और जैसे विक्की भैया खड़े हैं, विक्की भैया हम ऐसी बात करेंगे जिससे कैमरा हमें देखेगा ऐसी।